देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है जो न्यू दिल्ली से प्रकाशित हुआ है 5 से 11 सितंबर के बीच में। जॉब्स सभी चाहते हैं, अच्छी जॉब सब चाहते हैं। और इस पूरे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फर्स्ट कैन। वीडियो को अंत तक देखें, आज हम आपको बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बताएंगे और वीडियो को बने रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देख ही चुके हैं, 5 सितंबर से 11 सितंबर के बीच का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हम धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या क्या वैकेंसी इस बार आई हुई हैं। अब ये बहुत छोटी छोटी वैकेंसीज हैं, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम जिसमें ज़्यादा नंबर होगा, ये पहली जो वैकेंसी मैं अगर देखूँ तो वो है नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, NRIDA, जिसमें डायरेक्टर का एक पद है, जॉइंट डायरेक्टर के 3 पद हैं और डिप्टी डायरेक्टर के 2 पद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के 9 पद हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत कम वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर भी। डायरेक्टर जनरल BSF के अंदर भी कुछ वैकेंसीज़ हैं, कैप्टन पायलट, TIG, कमांडेंट पायलट, सेकंड इन कमांड पायलट, ये कुछ वैकेंसीज़ हैं, आप इसको देख सकते हैं। आज वैकेंसी बहुत हैं बट हम आपसे जो बात करेंगे वो मेजोरिटी जो वैकेंसीज़ होंगी उनके बारे में बात करेंगे। ये कुछ अच्छी वैकेंसीज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं। एडमिशन नेशनल इंडस्ट्रियल ITI में एडमिशन है ये तो। बहुत कम वैकेंसीज हैं, हम धीरे धीरे इन पर देखते जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, SEZ एडमिन सेक्शन के अंदर, ऑफिस एजुकेशन के अंदर लेवल 11 की एक वैकेंसी है, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर DDC। ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, गुड। ये IBPS के अंदर वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसको हम बहुत फेमसली IBPS बोलते हैं। और इसमें आप धीरे धीरे देखें, इसकी वेबसाइट भी दी हुई है यहाँ पर। और इस कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, CRP क्लर्क एक्स फॉर वैकेंसीज फॉर 2021-22। ये 2021-22 के लिए क्लर्क्स की वैकेंसीज हैं। दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एंड मेन, ये दोनों ही होगा। नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, क्लरिकल कैडर के लिए होगा, और जो कि टेंटेटिवली शेड्यूल है दिसंबर और जनवरी 2021, यानी 2021 के अंदर होना है। और सारी डेट्स हम बता देते हैं इसमें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में है इसमें। पेमेंट एप्लीकेशन भी इसी डेट को आप कर सकते हैं, 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स 17 नवंबर को कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग अगर किसी को चाहिए वो 23-11 यानी 23 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑनलाइन करना है वो 18-11 को आप कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री जो होगा 5 अक्टूबर को होगा, 12 अक्टूबर सॉरी 5 दिसंबर को होगा, 12 दिसंबर को है, 13 दिसंबर को है। रिजल्ट जो ऑनलाइन एग्जाम का आएगा वो 31 12-2020 को आएगा।
और कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं आप 12 जनवरी को। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेन होगा वो 24 जनवरी 2021 को होगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट्स जो होगा 1 अप्रैल से होगा नेक्स्ट ईयर से, जहाँ पर वैकेंसीज होंगी। और कुछ कंडीशन भी दी हुई है, इनकेस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड PET फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, ये तो ऑनलाइन ही है अभी, अगर कुछ फिजिबिलिटी होगी तो PET होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथराइज्ड IBPS वेबसाइट। मींस जिस तरह से सिचुएशन है, कभी भी पेपर चेंज हो सकता है, इसलिए कहा गया है कि ये आप इसकी वेबसाइट पर लगातार नज़र रखें और IBPS की वेबसाइट को आप देखते रहें। फिर से हम दिखा दें, ये IBPS की वैकेंसीज हैं, क्लर्क की वैकेंसीज हैं, और 2 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में ये इसकी लाइनें खुली हुई हैं। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। कॉल लेटर 17 नवंबर को डाउनलोड कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी 23 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में। कॉल लेटर डाउनलोड हो सकता है प्री एग्ज़ाम का 18 नवंबर को। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 5 दिसंबर, 12 दिसंबर एंड 13 दिसंबर। रिजल्ट ऑनलाइन प्री का आएगा 31 12 तक आ जाएगा। कॉल लेटर आप 12 जनवरी 2021 को कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2021 को होगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा वो 1 अप्रैल से होगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहना है हमें, प्लस में ये भी एक चांसेस हैं कि PET भी हो सकता है, यानी एग्जामिनेशन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हम आगे चलते हैं वैकेंसीज पे। एनएचपीसी की वैकेंसीज को देखते हैं, क्या क्या वैकेंसीज हैं इसके अंदर, कितनी वैकेंसीज हैं। काफ़ी वैकेंसीज हैं इसके अंदर। ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, E2 के अंदर आते हैं ग्रेड के अंदर। ट्रेनी इंजीनियर सिविल 50,000 से लेके 1,60,000 तक का पोस्ट है इसमें। 30 वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री होने चाहिए इसके अंदर, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए, सिविल डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। उसके बाद जो वैकेंसी है ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी होगी, काफ़ी अच्छे स्केल पर 50,000 से 160 के अंदर में है। ये 21 वैकेंसीज हैं इसके अंदर भी, और बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए इसमें, BSc भी इंजीनियरिंग से हो सकता है, मैकेनिकल डिप्लोमा भी मैकेनिकल डिसिप्लिन से, डिग्री इन मैकेनिकल होना चाहिए, यानी BTech होना चाहिए इसके अंदर, और काफ़ी कंडीशंस इसमें लिखी हुई है। ट्रेनिंग ऑफिसर HR इसमें जो है 50,000 का स्केल है वही है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, और इसके अंदर वैकेंसी देखते हैं 5 वैकेंसीज हैं। ट्रेनिंग ऑफिसर लॉ फुल टाइम रेगुलर डिग्री इन लॉ, यानी लॉ की वैकेंसी है 50,000, स्केल वही है। 8 वैकेंसी है लॉ की इसके अंदर। वैकेंसीज ईयरमार्क फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो कुछ डिसेबिलिटीज़ की वैकेंसीज भी 4 हैं, और पेपर कोड 55। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन बिलो मेंशन पेपर कोड 55 ऑफ UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET ऑफ जून 2020, यानी कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो होना चाहिए इसके लिए, पोस्ट के लिए, और तब ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें टर्म कंडीशंस लिखी हुई हैं कुछ। ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्लैट 2020, तो आपको प्रॉपर इसको रेफ़र करना पड़ेगा पेपर को फिर से, जो है जो 5 सितंबर 2020 का है, NHPC के अंदर है, 11 सितंबर तक है पेपर, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ वैकेंसीज के अंदर है। सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, मुंबई के अंदर वैकेंसीज हैं। साइंटिस्ट सी की 2 वैकेंसी हैं, साइंटिस्ट बी की 28। और उसके आगे चलते हैं विश्वविद्यालय ग्रांट
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसमें एक एक वैकेंसी है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एक है, जॉइंट सेक्रेटरी फोर है, डिप्टी सेक्रेटरी वन है। तो आप इसको रेफ़र करके अप्लाई कर सकते हैं। एम्स के अंदर कुछ वैकेंसीज हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की एक वैकेंसी है, फाइनेंशियल एडवाइज़र की एक वैकेंसी है इसके अंदर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की 21 वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 1 है सिविल के अंदर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 है। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं। अप्लाइड ट्रिब्यूनल सेफ ये वैकेंसीज हैं इसके अंदर, असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट है, डेपुटेशन पे हैं वैकेंसीज। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की वैकेंसीज कुछ हैं इसमें, 3 वैकेंसीज हैं, डायरेक्टर पोस्ट है इसमें। तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। थोड़ी सी वैकेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के अंदर में है, असिस्टेंट डायरेक्टर की 2 हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर 1, असिस्टेंट डायरेक्टर 1, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 17 हैं, पर्सनल असिस्टेंट 16 हैं, जूनियर ट्रांसलेटर 1 है, लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 है, स्टेनोग्राफर 17 है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 79, अच्छी वैकेंसीज हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 36 है। तो हम एक बार फिर दिखाते हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अंदर वैकेंसीज हैं, तो हम इस पर भी ध्यान लगा सकते हैं, थोड़ा अच्छा सूट करते हैं तो ये वैकेंसीज हम देख सकते हैं। बहुत थोड़ा है वैकेंसीज, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं पेपर को। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसमें देखते हैं कितनी है। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर वैकेंसीज हैं इसमें, वाइस चेयरमैन की वैकेंसीज हैं इसमें। फिर जो वैकेंसीज नेक्स्ट हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये बैंक के अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 पे हैं, और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी लग रही है मुझे। इसके अंदर वैकेंसी आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रॉपर, और इसकी डेट हम बता दें 29 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 18 सितंबर तक है। डाउनलोड कॉल लेटर, आप 10 डेज पीरियड टू एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा अक्टूबर नवंबर 2020 के अंदर, रिजल्ट आएगा नवंबर दिसंबर में। डाउनलोड की कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए जनवरी फरवरी में कर सकते हैं, इंटरव्यू भी जनवरी फरवरी 21 के अंदर होगा, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फरवरी मार्च 2021 के अंदर हो सकता है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर स्केल का पोस्ट है, तो टोटल वैकेंसी 16 है, और वैकेंसीज रिजर्व फॉर PWBD के अंदर भी एक वैकेंसीज है। तो आप पूरा इस पर रेफ़र करें, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी किसी को है तो वो 10 ईयर्स भी है, 15 है, 13 है। एक्सर्विसमैन को 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। तो हम एक बार फिर से बता दें, बहुत अच्छा है, नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की वैकेंसीज़ हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया ऑलरेडी चालू है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो भर सकते हैं इसके अंदर। हम और देखते हैं इसमें वैकेंसीज़, तो बाकी वैकेंसीज़ नहीं है ये कुछ वैकेंसी, काफ़ी वैकेंसी हैं, फिर भी अगर आप पेपर को पूरा देखेंगे तो काफ़ी वैकेंसीज हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा बेल